दोस्तों आज के समय में पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां लगभग 4 लाख एक्टिव लाइसेंस वाले गन मौजूद हैं और इससे कई ज्यादा विदाउट लाइसेंस वाले गन भी पंजाब के लोग कैरी करते हैं और इस गन कल्चर को पंजाब में बहुत ही कूल माना जाता है। पर इसी कूलनेस की वजह से पंजाब में क्राइम रेट और गैंगस्टर की तादाद सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पंजाब में गन कल्चर की शुरुआत कैसे हुई? तो ये बात है 1980s की। ये वो समय था जब कांग्रेस पंजाब में इलेक्शन हार गई थी और अकाली दल के लीडर सुरजीत सिंह बरनाला ने यहां इलेक्शन जीता था। लेकिन इस इलेक्शन से पंजाब के लोग खुश नहीं थे क्योंकि लोगों का मानना था कि अकाली दल के नेता कांग्रेस से ही मिले हुए हैं और इसके बाद अकाली दल के लीडर ने लोगों को कन्विंस करने के लिए जेल से हजारों बेगुनाह लोगों को छोड़ दिया जो किसी मिलिटेंस और प्रोटेस्ट के वजह से जेल में चले गए थे। लेकिन उन बेगुनाह लोगों के साथ कई अपराधी भी जेल से बाहर आ गए थे जिन्होंने 1991 में पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा वायलेंस फैलाया, जिसके बाद सरकार आम लोगों को गन लाइसेंस प्रोवाइड करने लगी जिससे लोग अपनी प्रोटेक्शन कर पाए। तो ये थी पंजाब की गन कल्चर की कहानी।